ग्वालियर में पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव की नातिन अक्षया हत्याकांड की गवाह पर फायरिंग हुई है। नकाबपोश हमलावरों ने डरानी की कट्टे से दो राउंड फायर किए हैं। इसके बाद साथी के साथ बाइक से भाग निकले। घटना बाराबीघा इलाके की है। मंगलवार सुबह गवाह स्कूल जा रही थी, वे टीचर है। माधुगंज बाराबीघा निवासी करुणा शर्मा टीचर है, वे स्कूल में पढ़ाने के साथ कोचिंग भी देती है। उनकी बेटी सोनाक्षी शर्मा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। मां बेटी को गवाही से रोकने के लिए पहले भी धमकाया जा चुका है। हमलावरों को पता था कि करुणा बाराबीघा किस रास्ते से स्कूल आती जाती है। मंगलवार सुबह भी वे एक्टिवा से जा रही थी, तभी नकाबपोश उनकी गाड़ी के सामने आए और एक्टिवा रुकवा ली। उसने कट्टा निकाला तो करुणा ने आंख बंद कर ली। दो फायर करने के बाद आरोपी भाग निकला। सूरज सिंह नाम है मेरा और हम लोग अभी आज यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि मैडम के ऊपर में जो करुणा शर्मा जी हैं अक्षय हत्याकांड में जो शामिल हैं उनकी मुख्य चश्मदीद गवाह है उनकी बेटी सोनाक्षी शर्मा। तो उनकी माताजी जो है सुबह 9 बजे जो है स्कूल के लिए अपना जो भी उनका टाइम है फिक्स टाइम पर उन पर वो जाती हैं स्कूल के लिए, तो उनको बीच रास्ते में दो लड़कों ने रोक के उनके ऊपर में दो राउंड चलाए फायरिंग की और उद्देश्य उनका यही था कि उनको डराया जाए या उनको थोड़ी हानि पहुंचाई जाए जिससे ये गवाही ना लगे और ये जितने भी जो जेल में आरोपी बंद हैं और या जो अभी जो जेल तोड़ के जो फरार हुए थे आरोपी बाल सुधार गृह से दो आरोपी अभी भी फरार हैं उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। तो हमें पूरी आशंका है कि या तो वो दोनों हो सकते हैं या फिर और कोई भी उनके जो रिश्तेदार हैं संबंधी हैं वो लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह का काम किया है उन्होंने। जिस केस में गवाह हैं ये लोग? अक्षया मर्डर केस जो कि 10 जुलाई को हुआ था ग्वालियर में, बहुत महिलाओं के नाम पे एक बहुत मतलब बहुत बड़ी घटना थी ये कि दो बच्चियों को टारगेट करके गोली चलाई गई और एक अक्षया यादव जिसमें उसकी हत्या हो गई। मौका ये वारदात पर हमारी बच्ची जो है पीछे गाड़ी पर बैठी हुई थी, उसने पूरा घटनाक्रम देखा, उसकी चश्मदीद गवाह है। तो अभी सुबह लगभग कितने फायर हुए थे? दो फायर किए हैं उन्होंने और कोशिश तो यही हुई होगी उनकी कि इनमें गोली लग जाए या मतलब मारने की साजिश है और क्या, वो तो सीधा 307 का मुकदमा करना चाहिए उनको, तो वो तो बच गई घटना। फरियादिया अपने नियमित कार्य से घर से जा रही थी सुबह 9 बजे के आसपास, तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पहुंची होगी कि उसको रास्ते में अज्ञात व्यक्ति दो मिले जिनमें से एक उसके नज़दीक आया जिसके मुँह पर कपड़ा बंधा था, उनने उनको धमकी दी और उसके बाद फायर कर दिया। हमने मौके का मुआयना किया है, मौके पर हमको खाली खोखा मिला है और इसमें प्रथम दृष्टया जो हमको साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं या फरियादिया ने जो कहा है उसके हिसाब से हम इसमें मुकदमा कायम कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएगा अनुसंधान के दौरान उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गवाही है जो छात्रा की माँ बताया गया, जो छात्रा की माँ है वो मुख्य गवाह थी इस केस में हत्याकांड में। पहले जो एक घटनाक्रम हुआ है जो सबको विदित है उसमें क्योंकि गवाह भी है तो हो सकता है कि ये एंगल कहीं ना कहीं पुराने केस से उभर के आ रहा हो, तो हम सारे तथ्यों पे सारी परिस्थितियों पे हम जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने उभर के आएगा उसके हिसाब से करेंगे। हमारी उस प्रकरण को लेकर के पूरी निगाह है और हम सारी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं, अगर ऐसे कोई भी तथ्य आते हैं तो सुरक्षा भी दी गई है इनको। हाँ मतलब जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे गार्ड लगाया गया है और गार्ड वहाँ नियमित उपस्थित रहता है, आज भी उपस्थित था और जैसे उन्होंने घटना की सूचना दी तुरंत 2 मिनट के अंदर हमारा गार्ड वहाँ मौके पे पहुँचा है। माधोगंज बाराबीघा निवासी अक्षय यादव और सोनाक्षी शर्मा गहरी दोस्त थी। अक्षय मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुरेंद्र यादव के रिश्ते में नातिन थी। दोनों 10 जुलाई को लक्ष्मीबाई कॉलोनी से मैथ्स की कोचिंग से लौट रही थी। एक्टिवा अक्षय चला रही थी लेकिन अक्सर सोनाक्षी गाड़ी चलाकर लाती थी। इसी समय दो बाइक पर सवार होकर आधा दर्जन से ज्यादा हमलावर आए, उन्होंने गोली मारकर अक्षय की इस धोखे में हत्या कर दी कि वह सोनाक्षी है। दोनों छात्राएं मुंह पर कपड़ा बांधे हुई थी। क्राइम भाषी के लिए ग्वालियर से वेंकटेश की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।